तो फाइनली जियो ने जो है अपना नया प्लान लॉन्च कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में सारे पांच प्लान के बारे में बताऊंगा जो कि जियो ने लॉन्च किया। और एक्चुअली ये प्लान जो है पहले के प्लान के मुताबिक सही है कि नहीं है ये तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता ही दूंगा। साथ ही साथ जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको पता चलती जाएगी कि क्या ये प्लान सही है नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डी टू के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो इस प्लान का जियो ने जो नाम दिया है वो है जियो फ्रीडम प्लान्स। इसका मतलब जो आपका पास डाटा लिमिट रहती है उस डाटा लिमिट से आप एकदम हट जाइए, आप अनलिमिटेड डाटा को यूज़ कीजिए। जो भी पांच प्लान है उसमें आप अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल अभी होता है 1.5 GB, हमारा एक नियम रहता है जो 1.5 GB के बाद ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाते। जैसे 1.5 GB एक दिन का यूज़ हो जाता है उसके बाद नेट चलना बंद हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्रीडम प्लान है फ्रीडम प्लान से आप अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हो, बट कुछ इसमें शर्तें हैं। तो क्या क्या शर्तें हैं, तो उसके पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्लान के बारे में। तो क्या क्या प्लान आया, तो सबसे पहला प्लान जो जियो ने निकाला है वो है 127 रुपया पर 12 GB 15 दिनों के लिए। जी हाँ, अब मैं इसमें आपको क्लियर करना चाहूंगा जो कि मैंने बताया था कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जो 127 रुपया पर 12 GB दे रहा 15 दिन के लिए, उसमें क्या कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि पर डे आप कुछ 1.5 GB ही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको पूरा 12 GB मिल जाएगा 15 दिन के लिए। अब उसको आप चाहे 2 दिन में खत्म करो चाहे आप 5 दिन में खत्म करो, उससे जियो को कुछ मतलब नहीं है। वो क्या हो रही है, 127 रुपया आप डाल रहे हैं तो वो 12 GB दे रही है, 15 दिन का वैलिडिटी दे रही है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो 15 दिन तक, अगर यूज़ कर रहे हो तो ठीक है 15 दिन तक चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक डाटा कट ऑफ हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को। पहले क्या होता था, पहले हमारा क्या बहुत सारा ऐसा होता था जैसे कि 1.5 GB हम लोग यूज़ करते थे, 1.5 GB यूज़ कर लिए उसके बाद यूज़ करने का बंद हो गई। बट इसमें वो चीज़ नहीं, अगर आप 1 GB दे रही है, अगर 2 GB भी यूज़ कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होगी डाटा खत्म हो जाएगी, जो कि आपका वैलिडिटी उस वैलिडिटी तक रहेगी बस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्लान के बारे में जो कि 247 रुपया पर 25 GB 30 दिन के लिए। एक बार 247 का रिचार्ज कीजिए, 25 GB आपको मिल जाएगा पूरे 30 दिनों के लिए। उसमें से 25 GB में से भी जितने भी GB पर डे यूज़ करो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि पर डे आपको इतना ही GB यूज़ करना, आप जितना GB यूज़ कर सकते हो। थर्ड प्लान आ रही है 447 रुपये 50 GB 60 दिन के लिए। एंड फोर्थ प्लान आ रही है 597 रुपया 75 GB 90 दिन के लिए। और जो टॉप प्लान है वो है 2397 रुपये में 365 GB 365 दिन के लिए। ये था कुछ नया प्लान जो उन्होंने बताया है। अब मैं इसको थोड़ा आपको कंपेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको ये प्लान बाय करनी चाहिए कि नहीं बाय करनी चाहिए। तो जैसे कि बात करते हैं हम लोग अभी का प्लान का। अभी आप लोग रिचार्ज कराते हो ज़्यादातर 199 का, 249 का, या तो जो 3 महीना का है 399 का, यही तीनों में से कुछ हम लोग रिचार्ज कराते हैं। मैं अगर पर्सनली मेरा बात करूं तो मैं ज़्यादातर कराता हूँ 199 का, जो 1.5 GB पर डे होता है 28 डेज़ के लिए। मैं ज़्यादातर इसी को प्रिफेयर करता हूँ क्योंकि मेरे लिए 1.5 GB सफिशियंट नहीं होती है, बट फिर भी मैं इसी को प्रिफेयर करता हूँ क्योंकि पता ही आपको इकोनॉमिकल कंडीशन भी थोड़ी बहुत देखनी पड़ती है। तो जो कि 199 में 1.5 GB पर डे 28 डेज़ के लिए, अगर हम लोग टोटल इसमें डाटा कैलकुलेट करते हैं तो टोटल डाटा इसमें आती है 42 GB। और इसको हम लोग कंपेयर करें पहले के प्लान से जो 127 रुपये में, जैसे कि मैंने एकदम पहले में जो प्लान डिस्कस किया 127 रुपये में है 12 GB 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए मात्र आपको 12 GB मेरा 127 रुपये में। वही अगर आप उसमें 199 का रिचार्ज कराते हो तो आपको मिल रही है 42 GB 28 डेज़ की। यहाँ पर देखते हैं कंपेयर में तो डाटा फायदा कर रही है आपका, बट क्या हो रही है इसमें आपको लिमिट हो जा रही है, यानी कि अनलिमिटेड वाला पैक नहीं मिल रही है। बात इस जगह पर यही आ रही है, डाटा आपको इसमें ज़्यादा मिल रही है जो आप रेगुलर रिचार्ज कराते हो उसमें, जिसमें कि एक लिमिटेड डाटा आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको हमेशा डाटा ज़्यादा मिलेगी। बट उसमें क्या हो रही है कि आप अनलिमिटेड वाला यूज़ नहीं कर पा रहे हो। यही है कुछ प्लानिंग, यही है कुछ बिजनेस का तरीका जो कि जियो अभी फिलहाल कर रहा है। अगर आप इस टाइप का रिचार्ज कराते हो जो कि मैंने पहले पांच प्लान बताया, उसमें क्या होगी आपको हर एक प्लान पे आपको डाटा कम मिलेगी। उसी के मुकाबले अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट देते हो जैसे कि जो रेगुलर रिचार्ज है, उसमें आपको डाटा ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा। और एक प्लान बहुत पॉपुलर है जो कि ज़्यादातर को यूज़ कराते हैं 149 का। जनरली हम लोग रिचार्ज करते हैं 149 का, जिसमें 1 GB मिलती है 24 डेज़ की। तो टोटल अगर डाटा की बात करें तो हमें मिलती है 24 GB डाटा 24 डेज़ के लिए, 24 GB डाटा। और सेम कंपेयर करते हैं फिर से मैं 127 में, वही मिल रही है आपको 12 GB डाटा 15 डेज़ के लिए। तो ये है कुछ फंडा जो कि वो फिलहाल कंपनी भी चला रही है। बट अगर आपको अनलिमिटेड पैक चाहिए तो फिर ये पांच प्लान बहुत बेटर है। कंपनी ने एक्चुअली ये पांच प्लान अनलिमिटेड वालों के लिए ही निकाला, हर किसी को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, आप कुछ ऑनलाइन ज़्यादा कुछ काम करते हो, आपको 1.5 GB आपको सफिशियंट नहीं लगती, या तो 2 GB आपकी सफिशियंट नहीं लगती है, आपको एक दिन में 3 GB कभी कभी 3.5 GB यूज़ हो जाती है, तो फिर आप इस प्लान को लेके चल सकते हो। और इसमें एक फायदा भी है, जैसे मान के चलिए हमारे जो रेगुलर रिचार्ज है, रेगुलर रिचार्ज में क्या होती है, अगर 1.5 GB हम लोग एक दिन में यूज़ ना कर पाए, अगर मान के चलिए मैंने 50% यूज़ किया, 900 MB तक, कुछ कुछ तक 900 MB तक यूज़ कर लिया, बाकी जितने भी MB है क्या होती है वो मेरा ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाती है।
अगर यूज़ नहीं किया तो मैंने क्या पूरी पूरी कट ऑफ हो जाएगी। बट ये चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, जो अनलिमिटेड वाला प्लान जैसे कि मैंने 5 प्लान बताया उसमें क्या होगी, आप एक दिन में 500 GB यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, एक दिन में आप 500 MB यूज़ करो चाहे 600 MB यूज़ करो चाहे 1 GB यूज़ करो, उसमें कोई आपके लिमिटलेस नहीं है। एक ही फायदा है, आप 15 दिन तक आप कुछ भी आप उसको यूज़ करते रह सकते हो। जितनी आप कम यूज़ करोगे उतनी बाद में आप ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, क्योंकि डाटा उसी में से रिड्यूस होती जा रही है, जो कि आपको 12 GB की डाटा मिल रही है उसी में। तो ये 5 प्लान मैंने बता दिया आपको, आपने लिस्ट भी देख लिया जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था, तो इसी के थ्रू आउट आप कोई भी रिचार्ज प्लान कर सकते हैं जो कि आपको सही लगे। तो यही थी कुछ अपडेट आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।